हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। आज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल नंबर। जिमें कि तुसी सबने लेक्चर नंबर 6 देखा सी, ओदे विच असी वेन डायग्राम बारे गल कीती सी। तो वेन डायग्राम दी हेल्प ना असी कार्डिनल नंबर पढ़ांगे ते कुछ फॉर्मूलाज डिवेलप करांगे कि मैं एक वड्डियां वड्डियां स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स दा, एदे विच बहुत क्वेश्चन पूछे जांदे आ थोनू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे विच, तो क्या है कार्डिनल नंबर। ठीक है जी, हुण एक कार्डिनल नंबर क्या है? देखो, एक डायग्राम रिप्रेजेंट की गई थोड़े को कार्डिनल नंबर। हूँ एक सैट है, ये कोई पांच एलीमेंट है। देखो दिख रहे हैं ना, एक चूहा है, कंगारू है, कोई फॉक्स है। ठीक है जी, अलग अलग तरीके के एनीमल्स है। तो तुसी नंबर ऑफ एलीमेंट्स आप गल की ना फाइनाइट सैट के, थोड़ी याद होएगा आप गल की कि जेड़ा सैट फाइनाइट है, ठीक है ना, उस फाइनाइट सैट के जेड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे है, एक फाइनाइट सैट के जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे है, और नंबर ऑफ एलीमेंट्स नूं असीं क्या कहने, कार्डिनल नंबर। क्या कहने बच्चों? कार्डिनल नंबर। ठीक है जी, तो ही असीं गल कर रहे कि अगर एक सैट है उहदे कोल पंज एलीमेंट्स है तो उहदा कार्डिनल नंबर क्या होएगा? पंज। ठीक है जी, तो इस तरह तुसीं कह सकते हो कि अगर एक सैट है जिहदे कोल एलीमेंट 2, 4, 6, 8, 10 है, उहदा भी कार्डिनल नंबर किन्ना होएगा? पंज। अगर कोई सैट है उहदे कोल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एलीमेंट है, तो उहदा कार्डिनल नंबर किन्ना होएगा? 6। तो जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे है उन्होंने ही असी क्या कहने, उस सैट का कार्डिनल नंबर। तो सबनों एक बार रीकैप होया, याद आया कि कार्डिनल नंबर क्या होंगे है। तो हूँ असी कार्डिनल नंबर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फॉर्मूलाज डिवेलप करने वाले। सब तो पहला फॉर्मूला थोड़े को है कि अगर थोड़े को तीन सैट ने, हर बार तीन ही लवेंगे चाहे बरतीए दो, ए बी सी तीन फाइनाइट सैट ने, यू कोई भी फाइनाइट सैट है जिन्हों से यूनिवर्सल सैट के, ये साड़ी डेफिनेट नोटेशन है, जो फिक्स नोटेशन है कि ए बी सी कोई तीन सैट की वरतों करांगे सारे फॉर्मूलाज डिवेलप करने ली, तो यू कोई भी यूनिवर्सल सैट है। ठीक है जी, तो सब तो पहली चीज़ कि तुसी दस सकते हो कि अगर मैं कढ़ना होवे ए यूनियन बी, बहुत ध्यान नाल देखने वाली गल है, अगर तुसी कढ़ना होवे ए यूनियन बी, जाने कि थोने ए वाला एरिया जिन्हों मैं पिंक किया है ये सारा सैट लेना है, बट जो तुसी गल करोगे कि ए दी, ता ए को ले हरे वाला पोर्शन है। ठीक है, उसी तरह बी दी, बी को ले संतरी वाला पोर्शन है। तो तुसी देख पा रहे हो कि एक जगह ते जेड़ा बिच वाला पोर्शन है ए वाला, जिन्हों तुसी कहने हो कि ए इंटरसेक्शन बी हुंदा है, इतने दोनों लाइन आई हैं, ए वाली चीज़ दो बार काउंट होगी। तो बच्चों हुण फॉर्मूला डिवेलप हो गया कि एन ऑफ, असी देख पा रहे विजुअली कि अगर यूनियन का फॉर्मूला डिवेलप करना होवे तो ए नू जोड़ो, ओदे विच बी का नंबर जोड़ो, ओदे विचों एक बार इंटरसैक्शन माइनस कर दो, ये एक बार क्यों माइनस की है, क्योंकि ए इंटरसैक्शन ए ते बी कारण दो बार जुड़ गई, ए वाला जड़ा हिस्सा है ये दो बार जुड़ गया, इनू एक बार माइनस करांगे ताकि साड़ा एग्जैक्ट सिर्फ ते सिर्फ सारे नंबर एक एक बार ही काउंट हो। क्लियर है जी, तो हुण इहदे बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि किवें वेन डायग्राम हैल्प करेगी ते किवें फॉर्मूला, दोनों तरीके देखांगे। थोड़े कोल इन अ एज ग्रुप ऑफ, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट इज। तो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है जी? यूनिवर्सल सेट है। मान लो एक क्रिकेट है, एक टेनिस है। हुण मैनू कहे कि किसे ग्रुप ऑफ 65 पीपल, जाने कि मैनू यूनिवर्सल सेट दिता होया 65, ओदे विचों माई डियर बच्चा पार्टी है, तो तुसी फोकस करोगे 40 बच्चे ने जेड़े क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट। जे थोनू ये दिखे 40 बच्चे क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, तो थोनू ये पता लग गया कि आ जेड़ा 10 है ये इत्थे है, तो बिच वाला पोर्शन किन्ना रह गया, ये डेफिनेटली जेड़ा क्रिकेट ओनली है वो किन्ना बन गया, क्योंकि सर्कल पूरा का पूरा क्रिकेट है लाल वाला। तो मैनू इनू की लिखना पएगा? मैनू डायग्रामेटिकली इनू 30 लिखना पएगा। हुण टोटल किन्ने 65 लोग हैं इन अ ग्रुप ऑफ, हुण 65 जो दिता हुआ बेसिकली ये भी यूनिवर्सल नहीं है, जो तुसी मन्या कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं है, ग्रुप ऑफ 65 ओदे विचों ही 40 किन्ने, तो हुण टोटल जो ए यूनियन बी दिती हुई है थोनू वो 65 दिती हुई है, तो 65 चो 40 घटा दो तो आ 25 रह गए,
द डायग्रामेटिकली क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो गया. तो क्वेश्चन ने पूछा द नंबर ऑफ पीपल टेनिस ओनली. तो सब तो पहला कहना नंबर पूछे टेनिस. तो टेनिस ओनली तुसी फटाफट डायग्राम बनाई सी और जो थोनू दिख गया कि 25 लोग ने क्योंकि आही ओनली वाला शो करे एंड नोट क्रिकेट इज टेनिस ओनली. एक तो टेनिस ओनली एंड नोट क्रिकेट जेडे क्रिकेट नू पसंद ना करन तो केड़ा हो गया जी सिर्फ ते सिर्फ 25 हो गया. तो इहदा आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों. हुण यही चीज़ अगर तुसी फॉर्मूला ना करनी हुंदी तो तुसी लगांदे कि n ऑफ a यूनियन b ठीक है जी इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b राइट माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. सब तो पहले लगांदे तो यूनियन तुहानू 65 दित्ती हुई है a वाले 40 दित्ते हुए है b वाले कढ़ने है इंटरसेक्शन बच्चों तुहानू 10 दित्ती हुई है. तो तुसी कहंदे ना 65 हाँ जी क्या कहंदे जी यूनियन थोनू क्रिकेट 40 दित्ते हुए ने बी कढ़ना है तो थोड़े कोल कितना बन जूगा 30 बन जूगा. तो 30 प्लस एन ऑफ बी जाने कि एन ऑफ बी जेडे टेनिस लाइक करने वाले बच्चे ने वो 35 है. तो ओनली टेनिस जेडे सिर्फ से सिर्फ टेनिस लाइक करेंगे ओनली टेनिस एदा मतलब है कि तुसी क्या करोगे b माइनस a कर दोगे यानी कि 35 माइनस 10 तो थोड़े को आंसर 25 आ जाऊगा. कि तुसी सॉल्यूशन नु कंपेयर कर पा रहे हो. ये दो मेथड है ये वेन डायग्राम दी हेल्प सी जी जे तुसी कुछ लिखिया ही नहीं ये माइनस प्लस था तुसी इधर भी कीता बट ये दिश देखो कितना टाइम लगा फॉर्मूला लिखा डिवेल्प किया और अगर MCQ आ रहा था दिस मेथड इज परफेक्ट परफेक्ट. तो हुण थोनू पता चला कि एग्जैक्टली वेन डायग्राम दा यूज क्यों आया. अगे देखो हुण तुहाडे कोल आ गया कि एन ए माइनस बी ए माइनस बी का मतलब है तुसी शेड कर सकते हो कि केड़े पोर्शन की डिमांड कर रहे हो. ए माइनस बी सिर्फ ओनली ए की गल कर रहे हो. एदा फॉर्मूला असी जो वेन डायग्राम की गल की सी उदों भी डिवेलप कर लिया सी कि अगर ए दे विच्चों बच्चों अगर ए दे विच्चों इंटरसैक्शन माइनस कर दिती जाए ए इंटरसैक्शन बी तो कि बराबर आ जाएगा ए माइनस बी दे कार्डिनल नंबर दे बराबर आ जाएगा राइट. तो हुण क्वेश्चन जो थोनू दिता कि दो सैट्स ने एन ऑफ ए माइनस बी थोनू दिता हो माई डियर बच्चा पार्टी 24 एन ऑफ बी माइनस ए थोनू दिता हो बच्चों 19 ठीक है एंड एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी भी थोनू दिता हो 11 तुसी कढ़ना यूनियन. तो तुसी जे सोच पाओ थोने ना फॉर्मूला डिवेलप कर लिया कि एन ऑफ ए माइनस बी जो है वो किदे बराबर होएगा वो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी दे बराबर होएगा यानी कि ए दी वैल्यू 24 है एन ऑफ ए कढ़ना है इंटरसैक्शन थोनू 11 दिती हुई है माइनस 11 तो एन ऑफ ए थोड़े कोल कितना आ गया थोड़े कोल आ गया 35. इन द सेम वे जो ए तो लगाओगे तो तुम ये भी यही कहोगे कि प्लस करोंगे तो एन ऑफ बी कि आजगा 19 प्लस 11 सेम फॉर्मूला अप्लाई करके 30 के बराबर. हुण एज पर द क्वेश्चन थोनू पता है कि मैंने कढ़नी है यूनियन यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होंगे ए प्लस बी का माइनस इंटरसैक्शन 11 तो थोड़े को आ गया 65 माइनस 11 जाने कि थोड़े को आंसर बनया 54. क्लियर है जी. जे तुसी यही वेन डायग्राम ना सोच दे तुसी ये वेन डायग्राम बनाई दो सर्कल बनाए. हुन एज पर द क्वेश्चन ध्यान नाल देखियो क्वेश्चन ने थोनू दिता ए माइनस बी आ वाला 24 दिता होया बी माइनस ए 19 दिता होया इंटरसैक्शन 11 दिती हुई है. हुण तुसीं यूनियन करने जाने कि तिन्ना नू जोड़ना ही सी तो देखो 24 प्लस 11 प्लस 19 54 ही तो आना सी. तो समझ आया एक क्वेश्चन है थ्रेटिकल एक मैथड है थ्रेटिकल दूजा मैथड है डायग्रामेटिकल. डायग्रामेटिकल थोड़े क्वेश्चन नू बहुत क्विक आंसर करने लिए थोनू काबिल बना देगा. तो मस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस मैथड क्योंकि असी तो MCQs ले ही मेन फोकस करना है राइट. अगला हुन बहुत सिंपल है
कि दो दी यूनियन थानू आ गई, तीन दी यूनियन करनी है। देखो तीन दी यूनियन सीखने की सीखोगे, तुसी सीखोगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी करनी है। तो बच्चों इस चीज से फोकस करो, आ ए है आ बी है आ सी है। ए का पूरा सेट लिखता, बी का पूरा लिखता, सी का पूरा लिखता, ठीक है। तीन सेट पूरे ले ले, ओदे विचो आ इंटरसेक्शन माइनस करते क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है, ए बी ए इंटरसेक्शन सी है और ए बी इंटरसेक्शन सी है, और ओदे विचो तीनों की इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। की तुसी सोच पा रहे हो कि जेड़ी आ वाली इंटरसेक्शन है ये हर बार माइनस हो रही है? एक बार तो लॉजिकली माइनस होनी सी, दो बार होर माइनस होगी, तो जाने कि अगर मैंने यूनियन लेनी है तो मैंने एक बार इनू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो कोई यूज ही नहीं है। मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस की, बी इंटरसेक्शन सी की, सी इंटरसेक्शन क्यू, क्योंकि ये चीज़ें दो बार यूज हो रही सी, बट आ वाली चीज़ तो तीन बार माइनस होगी, तो इनू एक बार ऐड करता। क्लियर है? ओवें ही देखो ए इत्थे तक फॉर्मूलाज होंगे है यूनियन दा, माइनस दा, ते तीन दा। हुने फॉर्मूला सब खुद डिवेल्प किए हैं कि अगर तीन दी गल करन और थोनू कह दें कि एग्जैक्टली टू एलीमेंट, सिर्फ ते सिर्फ दो एलीमेंट्स चाहिए है। दो एलीमेंट्स मीनस तुसी सिर्फ ते सिर्फ केड़े एरिया की गल कर रहे हो, तुसी कह रहे हो कि थोनू आ वाला पोर्शन चाहिए है, आ वाला पोर्शन चाहिए एंड दिस वन पोर्शन, ठीक है। पिछले वाले दे विच तुसी क्या गल कर रहे सी कि थोनू ये सारा दा सारा पोर्शन चाहिए सी, हुण तुसी कह रहे हो कि ओनली टू, ओनली टू मीनस आह, तो तुसी क्या करोगे, इंटरसेक्शन आ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए थोड़े को बी इंटरसेक्शन सी, ओवें ही ए थोड़े को ए इंटरसेक्शन सी, तुसी तिना दी इंटरसेक्शन ऐड करती। ओदे विचो हुण तुसी देख रहे हो कि आ जिहड़ा पोर्शन है ये क्या हो रहा है, जो मैनू नहीं चाहिंदा, ए वाला पोर्शन मैनू नहीं चाहिंदा, राइट। तो ए पोर्शन अगर मैनू नहीं चाहिंदा तो किन्नी बार माइनस होगा, तीन बार माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले नाल ऐड होया, दूजे नाल ऐड होया, तीजे नाल, तो तीनों वाले माइनस कर दो, तो सिर्फ एग्जैक्टली टू वाला केस आएगा। हुन अगर एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन बस एरिया शेयर करने सीख लो, थोड़ा काम फतेह है। एग्जैक्टली वन ओनली ए ओनली बी एंड ओनली सी, सिर्फ तो सिर्फ तीन चीज़ों की गल कर रहे, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तो ए बी सी ऐड करता, दो बार इंटरसेक्शन माइनस करती ए ते बी दी, क्यों, क्योंकि देखो एक बार ए दे कोल आ रहा, एक बार ए दे कोल आ रहा, ए ते बी दी टोटली ओनली ए कर लिया, ओनली बी कर लिया, ओनली सी, ओदे विच तिन्ना दी इंटरसेक्शन एक बार ऐड करती, तीन बार ऐड कीती, क्यों, क्योंकि ए वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा बार माइनस हो गया। क्लियर है? तो उन्हें तीन बार ऐड करता। हुण इहदे बेस ते क्वेश्चन देखदे हां। बेसिकली जो फॉर्मूला डिवेलप किया उन्हें आप कदे यूज़ नहीं करते, मैं कदे रिकमेंड नहीं करती। हुण क्वेश्चन क्या है, अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। द मैथमेटिक्स 100, यानी कि मैथ दे बच्चे ने, मैथ दे ने, फिजिक्स दे ने, और थोड़े कोल केड़े ने जी, तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैथ दे बच्चे 100 ने, फिजिक्स दे 70 ने, केमिस्ट्री दे 40 ने, जो ओनली नहीं लिखा होता, मैथ दे 100, फिजिक्स दे 70, केमिस्ट्री दे 40, इहदा मतलब है टोटल बच्चों की गल कर रहे हैं। मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स दे 30 बच्चे हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री दे 28 बच्चे, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे 23 बच्चे, ठीक है जी। तिना दे 18 ने। हुण तुहानू फिर दिमाग लगाना पएगा कि अगर तिना दे, क्योंकि मैं इहदे विच फॉर्मूले लई तुहानू रिकमेंड ही नहीं करूँगी। हुणे 30 सी, 30 माइनस 18 कितने 12 बचे बच्चों, ओवें ही 28 चो 18 माइनस कितने थोड़े कोल 10 बचे, फिर 23 चो 18 माइनस कितने किन्ने बच गए जी 5, ठीक है। हुणे तिना नू 12 18 ते 10 अगर देखोगे, 12 ते 18 30, 30 ते 10 40, आ किन्ने बच गए 60, 12 ते 18 30, 30 ते 5 35, 70 चो 35 कढ़े किन्ने बचे 35, 40 दे विचो देखो 28, 28 ते 5 33, 40 चो 33 कढ़े 7। हुण क्वेश्चन ने थोड़े तो क्या पूछा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स अलोन, तो हुण ये क्वेश्चन थोड़े तो जो मर्जी पूछ ले,
सोच के देखो, एक क्वेश्चन चाहे थोड़ा तो मैथमेटिक्स से लोन पूछ ले, फिजिक्स से लोन पूछ ले, सिर्फ तो सिर्फ केमिस्ट्री पूछ ले, मैथ एंड फिजिक्स ओनली पूछ ले, तो सारे का आंसर रेडी है एक डायग्राम दे विच विदाउट एनी कैलकुलेशन। ए है इसका तरीका। हुन इन्होंने पूछा मैथमेटिक्स अलोन, तो बच्चों दिख रहे हैं सिर्फ तो सिर्फ मैथमेटिक्स साथ बच्चों ने किया है, तो क्वेश्चन समझ आया ना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना की चाह रहा है। हुन अगर तुसी सब दा ऐड करोगे, देखो 60 ते 35 95 95 ते 10 105 105 ते 30 135 ते 5 140 ते बचे 7। ठीक है जी, तो यह तरीका है इस क्वेश्चन नू करन दा। नेक्स्ट देखो, कहने इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर ए बी सी आर पब्लिश्ड, 42% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड ए, 51। हुन ए जो है, अगर तुसी एमे 3 सर्कल बनाओगे और इन रेक्टेंगल दे विच पा दोगे, कि दे विच पा दोगे बच्चों रेक्टेंगल दे विच, तो थोनू कह रहे कि 42% ए, आ ए है, आ बी है और आ सी है, 42% ए, 51% बी, 68% सी, 30% रीड बोथ ए एंड बी, आ वाला जो एरिया है ए 30 है, 28% रीड बोथ बी एंड सी, ए 28 है, देन 36% रीड बोथ ए एंड सी, 8% डू नॉट रीड, 8% जेड़े लोग ने वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, 8% कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जाने कि 100 दे विचों 8 काटते तो 92% वो लोग ने जेड़े न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते नहीं। गल समझ आई? तो परसेंटेज हु रीड ऑल द 3, हुन तुसी करना कि जेड़े सारे दे सारे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। हुन तुहानू फॉर्मूला याद है, हुन इत्थे फॉर्मूला लगो, देखो 92 इज इक्वल्स टू तुसी क्या करोगे 42 प्लस 51 फॉर्मूला ला रहे हैं प्लस 60, ये माइनस कर दोगे 30, ये चो माइनस कर दोगे 28, ये माइनस कर दोगे 36, ये प्लस करोगे मान लो आ एक्स जो कढ़ना है, इनू सॉल्व करो, तो देखो 92 दे 42 ते अगर 51 देखोगे ये माइनस हो जाएंगे, ये इधर पहले इधर माइनस कर लो, ये थोनू किन्ना देंगे जी 92 इज इक्वल्स टू 12 दिता, 28 चो माइनस होएगा तो प्लस द 40 बचिया, और 36 अगर 51 चो 50 चो 36 माइनस कितने 14 तो 15, ठीक है प्लस एक्स। हुन तुसी इहनू देखोगे तो 27 67 प्लस एक्स तो 690 एक्स कि आ गया 92 माइनस 67, 90 चो 60 गए 30, ठीक है जी 32 चो 7 गए 25, तो 25% यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है 25%। क्लियर है जी? तो ये कुछ तरीके है जिथे सानू फॉर्मूला ईजी लगेगा तो फॉर्मूला भी लगावे, और जिथे सानू लगेगा कि वेन डायग्राम नाल ही क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा तो वेन डायग्राम की हेल्प लवेंगे, क्योंकि अगर इतने एक्स नहीं लेंदे, इतने अगर वेन डायग्राम ना करते थोड़ा लेंदी चला जाता, हर टर्म चो एक्स एक्स माइनस करना पैंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट, 240 प्लेड हॉकी एंड 336 प्लेड बास्केटबॉल, आउट ऑफ टोटल 65 प्लेट बोथ, ये भी 3 वाली डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम ही अल्टीमेटली थोनू एकमात्र जरिया है जो थोनू दस सकती है कि हाँ भाई तेनू की कुछ पता है, तेरी अप्रोच की रहने वाली है, क्रिकेट है, हॉकी है ते बास्केटबॉल है। क्रिकेट वाले किन्ने हैं 224, ठीक है, हॉकी वाले किन्ने बच्चे 240, ते थोड़े को बास्केटबॉल वाले किन्ने 336, ठीक है जी 64 ने जेड़े बास्केटबॉल ते हॉकी दोनों खेलते ने, बास्केटबॉल ते हॉकी ए 64 ने बच्चों। नेक्स्ट थोड़े को 80 होने जेड़े क्रिकेट ते हॉकी दोनों क्रिकेट ते बास्केटबॉल प्ले करते ने 80, ते थोड़े को 40 ने जेड़े क्रिकेट ते हॉकी प्ले करते ने, ठीक है जी 24 होने जेड़े सारिया ते सारिया गेम प्ले करते, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले, हूँ जाने कि तुसी ये दसना कि 800 दे विचों किन्ने लोग ने जेड़े कोई गेम प्ले नहीं करते, तो 40 चो 24 कढ़िया किन्ना बचिया 40 चो 24 कढ़िया 16, 80 चो 24 कढ़िया 56, 54 चो 24 कढ़िया 40,
हूँ 224 चो माइनस करो, 224 चो 24 करता 200, 200 दे विचो 60 माइनस किता 140, 140 चो 12 माइनस किते बचो 128, ठीक है। ओमे ही 240 चो माइनस 40 किते 200 बचे, 200 चो हूँ थोड़े को बचे 30 40, तो थोड़े को 160 बचे, और थोड़े को एंड द लास्ट 336, 336 दे विचो तुसी 90 70 80 120 माइनस करने, तो 336 चो 120 माइनस किते तो 216 बचे। हूँ तुसी सारे ऐड कर लो, देखो किने करोगे 160 ते 40 200 प्लस ए थोड़े को बन रहे हैं 30 ते 40, 40 ते 128 160, ठीक है जी, 56 प्लस 216 दे विच 50 जोड़े बच्चों, 216 च 50 260, 260 च 6 जोड़े 272, ठीक है जी। हुण इन्हां नूं ऐड करो तो 200 अगर देखा जावे तो यह भी 10 थोड़े को 170 ते 270 300 यानी कि 440, ठीक है जी। तो थोड़े को 640 बचा, 640 800 दे विचों माइनस कर दो तो थोड़े को किन्ना बनया, 800 चों माइनस किता 160, तो 160 थोड़े को आंसर बिल्कुल सही आ रहा, ऑप्शन ए, क्लियर है। तो कुछ तरीके ने क्वेश्चंस करन दे, ठीक है जी। लास्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सेम मेथड यूज करना है, वेन डायग्राम दी हुई है। इन अ सर्टेन टाउन्स 25% फैमिलीज ओन्स अ फोन, 15% ओन्स अ कार, 65% ओन आइदर नाइदर अ फोन और नोर अ कार। 65% को कुछ भी नहीं है, यानी कि जो 65 को कुछ भी नहीं है तो आज जड़ी यूनियन वाले लोग ने जिन्हों को कुछ ना कुछ हैगा ही हैगा और किन्ने बच गए, वो थोड़े को 35% बच गए बच्चा पार्टी, ये किन्ने बच गए 35% बच गए सारे दे सारे यूनियन वाले। 2000 फैमिलीज ओन्स बोथ अ कार एंड अ फोन, 2000 फैमिलीज को कार ते फोन दोनों है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 10% फैमिलीज ओन्स बोथ है। हूँ देखो 25% को फोन है, 25% को फोन है, 15% को कार है, ठीक है जी। 25 प्लस 15 35, हूँ 35 जो 35 माइनस करोगे तो जीरो, यानी कि जे तुसी मान के चलोगे तो थोड़े को कुछ भी नहीं आ रहा, यही कहना चाहते हो। इन अ सर्टेन टाउन 10% owns both car and family, 35 families, बिल्कुल देखो बी स्टेटमेंट तो थोड़े को बिल्कुल सही आई सी, बी स्टेटमेंट तो तुसी क्या है ना कि 35% families है जिन्हों को कार या फोन कुछ ना कुछ है गए, ते 40,000 families live in the town, 40,000 families कहंदे टाउन दे विच रहंदियां ने। जे थोड़े को टोटल जे थोनू कह रहे कि एक टाउन दे विच कुछ भी नहीं है, है ना, 65% ऑन नाइदर अ फोन नोर अ कार, 2000 फैमिलीज कोल दोनों चीज़ा ने, तो थोनू ये पता लग गया कि 0% का मतलब है 2000 जिन्हों को कुछ भी नहीं है, तो 35,000 का मतलब क्या होगा। तो ध्यान वाली गल है, टू स्टेटमेंट करेक्ट है, टू दे नाल वन का कॉम्बीनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, सोचने वाली गल है क्योंकि मैंने MCQ करना है, मेरे को टू का स्टेटमेंट फटाफट आ गई सी पहले स्टेप, पहली स्टेटमेंट मेरे को प्रूव हो गई कि गलत है, तो पहली ना कॉम्बीनेशन बन नहीं सकता, तो S2 का किधर ना कॉम्बीनेशन बनेगा, सिर्फ तो सिर्फ S3 ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। तो अगर ये वीडियो थोड़ू पसंद आई, थोड़ू समझ आया, थोड़ू पता चले कि एग्जैक्टली कार्डिनल नंबर का यूज मैं किमें कर सकती थी, वेन डायग्राम की हेल्प ना किमें मैं क्वेश्चन नू हल कर सकती हैं, तो ये मैथड लगा के होर क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, असं गल करा लॉज ऑफ सैट्स के बारे, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।